सदियों बाद कोई ऐसा शख्स का जन्म होता है जो लिखी हुई इतिहास पर भी भारी पड़ जाता है, और ऐसे ही शख्स का एक झलक पेश करने जा रहा हूँ जिनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1940 ईस्वी में अमेरिका के एक प्रांत टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह 22 भाई बहनों में बीसवा थी। 4 साल की उम्र में उसने डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैर को सहारा देने के लिए ब्रास पहना करती थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रास को उतारकर पहला कदम उठाया। जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होकर जीता विल्मा रुडोल्फ। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक लकवाग्रस्त महिला 1990 के ओलंपिक में दुनिया का सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखने को मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि जब कठिनाइयां नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिससे हमें कमियों को खूबसूरती में बदल दिया हो, तो ऐसी कहानी सुन करके इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसी तरह का अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी से आप लोगों को इंस्पिरेशन मिला हो तो इस वीडियो को किसी ग्रुप में या किसी फ्रेंड के पास या अपने सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो लेकर के मोटिवेशन भरी अगली वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।